राहुल वैद्य को मिला भैया दिशा का सपोर्ट। राहुल वैद्य का मनोबल बढ़ाने के लिए किया विकास गुप्ता ने एक ऐसी चीज जिसको देखने के बाद में सच में राहुल वैद्य हो गए मोटिवेट। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, चलिए आपको बता दें। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वेल, आपको बता दूं कि कल सलमान खान ने भी राहुल वैद्य की क्लास लगा दी थी, और क्लास की वजह ये थी कि जिस तरीके से राहुल वैद्य को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लग रही कि उनके नाम के आगे भगोड़ा लगाया जा रहा है कि आप भागे हो, ये हो। उन्होंने कहा सलमान से कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से बात ना की जाए, और क्योंकि मैं अब क्योंकि बार बार सुनने जो है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन सलमान खान तो सलमान खान है, सलमान खान ने बोला जब तुम भागे हो तो भैया तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे वो कहते हैं सलमान खान, क्या हम तुम्हें पैर पकड़ के लेके आए, क्या तुम्हारे हाथ पकड़ के लेके आए, कि हम तुम्हें लेकर कैसे आए हैं। अब भैया यहाँ पर राहुल वैद्य का मुंह जो है वो इन्नू सा हो गया था, इन छोटू सा हो गया था, और वो कहीं ना कहीं अपसेट हो गए थे, मोटिवेट नहीं कर पा रहे थे खुद को। जहां पर विकास गुप्ता ने मारा हुकुम का इक्का, वो ऐसे मारा, याद दिला था जब विकास गुप्ता की एंट्री हुई थी तो उन्होंने कहा था कि दिशा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। लेकिन वो जो है नहीं दिया था उन्होंने राहुल वैद्य को, उन्होंने इंतजार किया उस समय का जहां पर तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि विकास गुप्ता ने उस सीट का फायदा उठाते हुए कहा कि लो चलो अब मैं तुम्हें कुछ देता हूँ जिससे तुम मोटिवेट हो जाओगे और चीजों को भूल कर आगे बढ़ोगे। बता आपको कि दिशा का एक स्कार्फ है जो कि उन्होंने दिया लाकर राहुल वैद्य को, और राहुल वैद्य कहीं ना कहीं स्कार्फ को लेने के बाद में काफी ज्यादा मोटिवेट और पॉजिटिव भी फील कर रहे थे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास गुप्ता का ये मास्टरमाइंड काम कर गया, मतलब कि राहुल वैद्य को सही समय पर दिशा का स्कार्फ दे ही डाला। वैसे तो क्या लगता है आप लोगों को, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।